फोटोज भी आ रही थी, सब मुझे टैग कर रहे थे एंड दैट्स हाउ आई नो, अदरवाइज मुझे ये इंसिडेंट नहीं पता। थैंक यू फॉर ऑल द इंटरव्यूज जो आप लोगों ने मेरे क्वेश्चंस मेरे बिहाफ पे जज से पूछे। सो आपको फैंस चाहने वाले तो पूछेंगे। थैंक यू गाइस। सबसे पहले मैंने वो डायलॉग मैंने बोला, मैंने सुनी आपकी आवाज उस क्लिप में। सो जज कॉल मी एंड मैं ये पर्सनली सुनना चाहूंगी एंड इफ दिस इज द रियल यू देन लेट्स सी। 5 घंटे में आपकी फ्लाइट है और उनकी भी फ्लाइट 5 घंटे में ही है, क्या हम सेम फ्लाइट पे तो नहीं मिल जाएंगे? और वो भी दुबई जा रहे हैं, आप भी दुबई। मैं भी दुबई जा रही हूँ, मैं फिनाले के लिए वापस आऊंगी। वो भी फिनाले के लिए वापस आएगी। ऐसा तो नहीं, अंदर की खबर, अंदर की खबर। पोल खुल गया, पोल खुल गया, पोल खुल गया, पोल 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 खुल गया, आज ही पोल खुल गया। अरे खुशी अब्बा मत मिला यार, कुछ भी नहीं, कोई बात भी नहीं हुई, मैं उनके टच में भी नहीं हूँ, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, मिल जाएगा, मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे शूट करने जा रही हूँ, आप लोग मेरी BTS देखोगे 2 दिन तक और 4 इवेंट्स हैं जिसकी भी पोस्टिंग देखोगे, तो मैं काम से जा रही हूँ गाइज। अच्छा है ना, काम मिल रहा है, मिलने दो यार। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। ये सब तो हो जाएगा जब होना होगा। अच्छा अच्छा, जैसा है गाइस, लेट्स नॉट स्प्रेड फेक न्यूज एंड फेक, जो जब होगा मैं आप लोग के सामने बताएगी। असली न्यूज, असली न्यूज बता रहे हैं। असली न्यूज यहाँ है, अदनान का हैप्पी बर्थडे है। आकांक्षा इधर देखो, आकांक्षा फ्लाइट में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? देख लो एडवांस बता रहे हैं आपको, एडवांस बता रहे हैं। मैंने मेरी फ्लाइट कौन सी है ये भी नहीं बताया। क्या पता वही फ्लाइट निकले, वही निकले गलती से। ठीक है चलिए, ठीक है।